कांग्रेस जहां पर भी बैठे हैं ना, वो सुन ले, जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में जब चीन की लड़ाई हुई तब कह दिया था बाय बाय आसाम। उसके बाद से कांग्रेस वाले भूल ही गए कि उत्तर पूर्व भी कोई चीज है, हमारा महत्व का प्रदेश। मित्रों, उत्तर प्रदेश से 3 गुना ज्यादा बड़ा भूभाग हमारे उत्तर प्रदेश। यहां पर जिस प्रकार की इंसर्जन थी, जिस प्रकार का अलगाववाद हुआ था, मोदी जी ने कोई भाषण करे बगैर उसमें परिवर्तन लाया। कांग्रेस के शासन में भारत को तोड़ने की यह प्रक्रिया, कांग्रेस मूक दर्शक बनी रही। उत्तर पूर्व में भारत को तोड़ने की प्रक्रिया कांग्रेस चुपचाप देखती रही। मोदी जी ने आकर भारत तोड़ने की प्रक्रिया को बंद कर भारत को जोड़ने का काम किया है। मित्रों, भारत को जोड़ने का, जिन लोगों को भारत जोड़ना है उनके लिए उत्तर पूर्व में शांति और उत्तर पूर्व का विकास एक उदाहरण है कि भारत जोड़ने के लिए एक भी भाषण करे बगैर, कुछ और प्रयास करे बगैर कैसे भारत को जोड़ा जा सकता है, इसका एक उदाहरण है। तो तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा में उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर पूर्व की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से तिरंगे को हर घर, हर मैदान, हर मकान आपने फहराया है, पूरा राष्ट्र आपको सलाम कर आपकी देशभक्ति का स्वागत करता है। जिस उत्तर पूर्व को भारत तोड़ने का एक अभियान चलाया था, आज मोदी जी ने अपने विकास और शांति के अभिगम से उत्तर प्रदेश को भारत जोड़ो का अभियान बना दिया है। मित्रों, ये मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।